हाँ जी, कैसे हो भाई? आस करता हूँ सभी भाई बढ़िया होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ जो सैमसंग की MDM है वो कैसे बाईपास होती है, जो फिनांस लोग होता है। ठीक है, ये है सैमसंग का टूल ओक्टा प्लस। ओक्टा प्लस सैमसंग का टूल है। मैं अभी आपको इसमें लॉगिन करके आपको MDM बाईपास करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो बाईपास होता है आप इसको रीसेट और अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें नेटवर्क सारा कुछ ही प्रॉपर वर्क करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी जिससे कस्टमर को परेशानी होगी। ठीक है, इसमें सारे मॉडल ही AC लेके जेड तक सभी मॉडल भाई सपोर्टेड है। जेड फोल्ड तक, जेड फोल्ड 4 है जो उधर तक, और S23 अल्ट्रा तक भाई सभी फ़ोनों पे लगते हैं 100 क्रेडिट। ठीक है, एक फ़ोन पे लगता है 100 क्रेडिट, जैसे कोई सा भी फ़ोन है उस पर 100 क्रेडिट लगते हैं, जिसका एक क्रेडिट का प्राइस है 10 रुपये के पास में है, वही कुछ 1000 रुपये के क्रेडिट लगते हैं इस पर। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक है भाई, बिल्कुल इजी। मैं अभी आपको अपना बैलेंस चेक कर करके दिखाता हूँ। आप मेरा बैलेंस देख पा रहे होगे, मेरा बैलेंस है अभी 0। अभी मैं आपको बैलेंस ऐड कर दिया, इसमें देखो हो गया अभी 100 क्रेडिट। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखना अभी शो हो जाएगा 100 क्रेडिट। अभी मैं आपको करके दिखा दूँगा भाई, बहुत ईजी ट्रिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन को करना पड़ेगा रीसेट और उसको लेके आना पड़ेगा वेलकम जिधर लिखा होता है। ठीक है, अभी इधर आओगे आप, अनलॉक MDM लिखा हुआ है ना, इस पर सिंपल क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है अनलॉक 2023 वाली जो अपडेट है उसको हमने करना है बाईपास। ठीक है भाई, उसके बाद हमने उसके नीचे लिखा होगा, जैसे आप केबल कनेक्ट कर दोगे फ़ोन पे, फ़ोन को केबल कनेक्ट करो, उधर मांगने लग जाएगा फ़ोन का IME और सीरियल नंबर। हम अब सिंपल जाएंगे क्रोम में। ठीक है, अभी हम क्रोम में जाके उधर क्या कर सर्च करेंगे SAM FW, और इधर जाके पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका IME और सीरियल हमारे पास आ जाएगा। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखना ये आ गया IME और सीरियल नंबर। ठीक है, इसको हमने इधर से सिंपल कॉपी करना है और ओक्टा प्लस में जाके इसको पेस्ट कर देना है सिंपली भाई, कुछ नहीं हमें करना, ये नहीं आपने मिस्टेक नहीं करना भाई, इसको सिंपली हम इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लो भाई IME पेस्ट हो गया। अभी हम इधर सीरियल डाल देंगे और सीरियल डालने के बाद इधर हमारे पास आ जाएगा इसका स्कैनर जो होता है, बारकोड होगा वो। आप जो वेलकम के नीचे है ना, एक ये हम इधर से कर दिया फिट, और अब वेलकम के नीचे हम 7 बार क्लिक करेंगे और उधर ओपन हो जाएगा, जैसे स्कैनर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्कैनर ओपन होगा अभी इधर बारकोड आएगा, देखना इधर बारकोड आ जाएगा। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, सिंपली कनेक्ट करके छोड़ देना है और कुछ नहीं। जिगर अलाउ की ऑप्शन आएगी, अलाउ पे क्लिक करना है, हम बारकोड को स्कैन करो और उसके बाद में वाईफाई कनेक्ट करो फ़ोन को, और उसके बाद में जैसे ही हम वाईफाई कनेक्ट करोगे उधर शो करेगा भी अलाउ करो, आप अलाउ कर दोगे और आगे 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 इसको करते जाना। उधर MDM गार्ड आएगा ऑप्शन, MDM गार्ड को अलाउ करने की ऑप्शन आएगी, हम MDM गार्ड को अलाउ कर देंगे। ठीक है, हमने MDM गार्ड को अलाउ करना ही पड़ेगा, उसके साथ ही बाईपास होगा। ठीक है सेट, अभी हम देख रहे हैं ये चल रहा है, अभी एक्सप्लोडिंग हो रही है, देखना सिर्फ 1 क्लिक का काम है भाई, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ 1000 का खर्चा है, सारे मॉडल सपोर्टेड है भाई। ठीक है, अभी देखो एक्टिवेट डिवाइस आ रहा है, अभी 1 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा डिवाइस। में आपको लास्ट पे इसका फ़ोटो भी लगा दूंगा। ठीक है, कोई लंबा काम नहीं है भाई, सिंपल काम है, सिंपल ट्रिक है, बस फ़ोन को रीसेट करना ही पड़ेगा सबसे पहले। एक बार नहीं होता तो फ़ोन को आप रीसेट करो, ये इधर डन दिखा दिया। ठीक है जी, उसने डिवाइस डन कर दिया। ठीक है जी, ओक्टा प्लस सैमसंग का टूल है। ठीक है जी, लो भाई हमारा हो गया डिवाइस डन। अभी मैं लास्ट पे फ़ोटो ऐड कर दूंगा। अभी भाई को किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, आप जैसे मर्जी मेरे को कॉन्टैक्ट करो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।